पर रोशनी सबसे बड़ी बात है, करेंट्स के अंदर में रोशनी नहीं आती है। अच्छा, तो उसी का सॉल्यूशन हम लेके आए हैं यहाँ पे। तो फंक्शन जोड़ रहे हैं, देख लो ये वाला काटा भी नहीं है, काटा नहीं है, हमने इसी के अंदर इंसर्ट करा इसको, कोई वायर कट नहीं करे, कोई कुछ नहीं करा। भैया प्रोजेक्टर सेटअप के साथ ही साथ अगर कोई स्कीम प्राइस या कुछ और आप एक्स्ट्रा बताना चाहो वो भी जरूर मेंशन कर दो। हमने सेटअप बताया हुआ था, अगेन आपको रिपीट कर देते हैं, 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक के बीच में ऑनलाइन कोई भी हमसे प्रोजेक्टर नाइट वॉकर की मंगाता है 2-2.5-3 इंची, तो उन 100 में से 10 लगे विनर्स को कुछ कैशबैक होंगे या गोल्ड पॉइंट्स। उम्मीद है आपको ऐसे तो समझ आ ही रहा होगा दोनों के अंदर मोटा मोटा फर्क। अब इसको ऑफ करवा के और सिर्फ स्कॉर्पियो का रिस्पॉन्स आपको दिखा देता हूँ, आ जाओ। मैट्रो चैनल दोस्तों, आप देख रहे गेट इंस्टॉल। आज की इस एक वीडियो में मैं भाई दिखा रहा हूँ, अब इसमें 2-4 गाड़ी कवर कर लेते हैं जिसके अंदर कम्प्लीटली लाइटिंग का सेटअप है। अलग अलग गाड़ी है तो अलग अलग गाड़ी में ऑब्वियसली टाइप्स अलग हो सकते हैं उसकी लाइटिंग सेटअप के। ये मेरे सामने खड़ी है फिलहाल के लिए एक स्कॉर्पियो। भाई आपने चाहे महिंद्रा से क्यों ना लेके आए, नई पुरानी नई हो चाहे पुरानी, चाहे कन्वर्ट करी हुई हो, ये वाली जो आपको रोशनी है ना, ये आपको आफ्टर मार्केट ही देखने को मिलेगी, आपको कंपनी नहीं देगी कभी भी। इसके अंदर भाई यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे प्रोजेक्टर्स, अंदर की तरफ से आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कैसे हैं। फिटिंग करी कराई, दोबारा खुलवा रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि मैं दूसरे शूट में बिजी था। खैर इसका बम्पर गिरा के आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ अंदर से कैसे इंस्टॉल हो रखा है ये। अब आपको भाई अंदर से दिखाता हूँ एग्जैक्टली, ये लगे हैं इसके अंदर 2 इंचेस के प्रोजेक्टर, और इसके साथ अपनी है केसिंग, प्लस है इसकी सारी वायरिंग जो हाई लो है, दोनों प्रॉपरली हाई लो कनेक्टेड है। और ये प्रोजेक्टर्स इस केसिंग के साथ आते हैं, इसके साथ जो पहले आए हुए थे वो ये रहे, जो पहले इसमें लग रहे थे कुछ ऐसे दिखते थे, वो हटाकर हमने लगा दिए कुछ ऐसे वाले। 2 इंचेस के प्रोजेक्टर लगते भाई, स्कॉर्पियो क्लासिक हो आपके पास तो उसमें। एक तरफ भाई स्कॉर्पियो की फिटिंग हो रही थी, तो अब अपन दूसरी गाड़ी की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये है हमारे पास MH नंबर महाराष्ट्र से आई हुई कैरेंस। इसके अंदर हमने सामने की तरफ ग्रिल के अंदर प्रोजेक्टर इंस्टॉल करे हैं। तो क्या मन्नू भाई इसके अंदर फिटिंग नहीं आई थी? नहीं, इसके लिए कोई ब्रैकेट आता नहीं है, ठीक है। अगर आप दिल्ली NCR में या नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद इस साइड में रहते हैं तो इसके लिए हम प्रॉपर ब्रैकेट रेडी करके दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें कटिंग करनी पड़ेगी, बस वो हम आपको वेल्थ पर फिनिश के साथ आपको दे देंगे उसका। अच्छा अच्छा, ऐसा वाला हल्का सा एक दिखेंगे यहाँ पे बिल्कुल, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने पत्ती पत्ती लगा करके तब जुगाड़ करा है। अच्छा, कुछ ऐसा करा है, दिखेगा नहीं आपको कि आपको अलग से दिख रहा है या बिल्कुल बहुत बुरा लग रहा है, देखने में डिसेंट और चीज अच्छी लगेगी। और रोशनी सबसे बड़ी बात है, करेंट्स के अंदर में रोशनी नहीं आती है। अच्छा, तो उसी का सोल्यूशन हम लेके आए हैं यहाँ पे कि आप ग्रिल के अंदर कटिंग करके, इतना सा एक आपका छोटा सा एक पार्ट कट होता है ग्रिल का, उस जगह पे आपको हम एक स्टैंड देते हैं, एक पेज यहाँ लगेगा, एक पेज इस साइड पे लगेगा, और एक सेंटर में हम एक पेज लगाएंगे या नट बोर्ड लगाते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो स्टैंड एक बन जाता है, जैसे कि हमारे नॉर्मली ऑक्सीजन लाइट्स होती है वैसे। ठीक है, तो कुछ ऐसे लगने के बाद ऐसे होते हैं, ऐसे मेहनती भाई लगते हैं, तब जाके गाड़ी तैयार होती है कहीं ना कहीं। और इसकी हेडलाइट का रिस्पॉन्स कैसा है वो भी दिखाता हूँ आपको। देखो ऐसी इसकी हेडलाइट थी, हाँ भाई मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बुरी है, बट फॉग लैम्प्स ना कहीं ना कहीं आपको हर मौसम में दिखा रहे हैं हम यहाँ पे आपको कि हमने कोई भी वायर कट नहीं करी है इस गाड़ी के अंदर में, ना स्कॉच लगाया ना कुछ करा है। जो इसकी ओरिजिनल आपका कपलर होता है ना, फीमेल वाला कपलर होता है, उसके अंदर अपनी वायरिंग को लंबा करके, जो एक साइज होता है उसको बढ़ा करके उसी के फीमेल पार्ट में इंक्लूड करा है, और साथ में जो उसका मेल पार्ट था उसका उसको ज्वाइंट कर दिया है, ताकि आपका वो डिस्कनेक्ट ना हो, और ये आपका प्लग एंड प्ले कह लो या फिर आप विदाउट वायर कट कह लो, ऐसा काम हो सके आप। मैं डायरेक्ट हुआ है, इसके अंदर अलग से वायरिंग किट ऐड करिए, ये वाली जो मेरे भाई अभी जिसका फंक्शन जोड़ रहे हैं, देख लो ये वाला काटा भी नहीं है, काटा नहीं है, हमने इसी के अंदर इंसर्ट करा है इसको, कोई वायर कट नहीं करे, कोई कुछ नहीं करा। चलो कुछ ऐसा है ये। तो भाई इस गाड़ी ऊपर अभी थोड़ा बहुत काम और बच रहा है, इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको इसका थ्रो अच्छे से दिखा पाऊंगा, इसको लो हाई करके और कंपैरिजन भी ऊपर नीचे में। तीसरी गाड़ी की तरफ मूव ऑन करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। इसमें काम हो रहा है भाई, ये जब गाड़ी पूरी तैयार हो जाएगी तभी मैं आपको इनका कंपैरिजन दिखा पाऊंगा, इनके हेडलाइट्स और इनके फॉग लाइट्स का। तो होने देते हैं काम पूरा, गाड़ी बंद देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको इसका प्रॉपर थ्रो। सो गाइस फाइनली दोनों की दोनों गाड़ियां इकट्ठी फ्रेम में हमने रख दी है, दोनों का आउटपुट आपको साथ ही दिखाने वाले हैं हम एग्जैक्टली कैसा होने वाला है। लोकेशन भी सेम है, अच्छा खासा थ्रो आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल लो लाइटिंग है, हालांकि मेरे फ़ोन के अंदर लो लाइट कैमरा है तो आपको देखने के लिए अच्छा खासा मिल रहा होगा, बट एग्जैक्टली यहाँ पे इतनी रोशनी है नहीं जितनी आप यहाँ फिलहाल देख पा रहे हो। अब यहाँ पे इसको लाइटें जलाते हैं,
भैया प्रोजेक्टर सेटअप के साथ ही साथ अगर कोई स्कीम प्राइस या कुछ और आप एक्स्ट्रा बताना चाहो वो भी जरूर मेंशन कर दो। हमने सेटअप बताया हुआ था, अगेन आपको रिपीट कर देते हैं, 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक के बीच में ऑनलाइन कोई भी हमसे प्रोजेक्टर नाइट वॉकर की मंगाता है 2-2.5-3 इंची, तो 100 में से 10 लगे विनर्स को कुछ कैशबैक होंगे या गोल्ड पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं इस चीज़ की। देख लो भाई कैसी नज़र आ रहे हैं फिलहाल। अच्छा, इसको चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं इनकेस अगर हम चाहते हैं तो, इसके प्रोजेक्टरों के अलाइनमेंट को। प्लस इसकी हेडलाइट तो ऑलरेडी लगे लगाए आए थे, एक बार भैया हेडलाइट बंद कर दो इसके आप। अब पार्किंग पे ऑन है एग्जैक्टली में, यहाँ रिस्पांस देखो एग्जैक्ट, आप बताओ मेरे को कैसा लग रहा है। ब्लू कट लेंस के अंदर है ये, इसके हाई बीम ऑन हुए, एक बार दोबारा जलाओ। हाई बीम पे दोनों जल रही हैं, हेडलाइटें भी जल रही हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई, अगर मैं ऐसे ही इसके सिर्फ प्रोजेक्टरों का रिस्पांस की बात करूँ, बहुत प्यारा है। प्रोजेक्टर कौन से लगाए थे इसके अंदर? क्या बात है भाई, रिस्पांस देखो। मज़ा ना गया हो तो आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बताओ। तो स्कॉर्पियो के अंदर भी लगाए हैं यहाँ पे, देख लो एक बार। इसका प्रॉपर ब्रैकेट हमारे पास स्कॉर्पियो क्लासिक का, ठीक है। और इसके अंदर हमने अपना नाइट वॉकर का ही प्रोजेक्टर इंस्टॉल करा है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। लगने को इसमें 3 इंच भी लग सकता था, बट 3 इंच के अंदर जो है वो आपको एक क्वालिटी नहीं मिल पाती, उसमें जो हमारी रोशनी है वो कटती, लेंस पूरा प्रॉपर बाहर ना निकलता। एग्जैक्टली देख सकते हो भाई, कुछ ऐसा सेटअप हमने स्कॉर्पियो के अंदर भी करा है। एक बार मनु भाई चाहूंगा कि आप जलाकर भी दिखा दो इसको। और ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि हमने इसके अंदर जैसे कि यहाँ पर 3 इंच का सेटअप करा है, तो इसके अंदर क्यों? अच्छा, उसके अंदर भी 2.5 इंच का है, तो यहाँ देख लो भाई ऐसा जल रहा है ये, और ये इन दोनों का फेयर कंपेरिजन के अंदर आप ऐसे देख सकते हो कहाँ स्कॉर्पियो और कहाँ ये। उम्मीद है आपको ऐसे तो समझ आ ही रहा होगा दोनों के अंदर मोटा मोटा फर्क। अब इसको ऑफ करवा के और सिर्फ स्कॉर्पियो का रिस्पांस आपको दिखा देता हूँ, आ जाओ। तो भाई फेयर रहेगा, इसको ऑफ कर दिया, इसको कर दिया ऑन, एक बार भैया जला के दिखा दो। ये है स्कॉर्पियो का रिस्पांस, कहाँ तक जा रहा है इसका थ्रू रिस्पांस कैसा है वो आप खुद देखो। ये सिर्फ लो बीम है अभी। अच्छा, अब अगर इसकी हाई बीम की बात कर ली, ये गाड़ी की हेडलाइट की लो बीम है ना, ठीक है, ये हेडलाइट की लो बीम आ गई। अब ये टोटल सेटअप चलेगा और ये फुल सेटअप है। अब अगर इस ये बहुत ब्राइट है हकीकत में बात करूँ तो, मतलब मैं रेकमेंड इसको हाईवे पे करूँगा सिर्फ। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो इसके अंदर बहुत तगड़ा सेटअप लगा दिया आपने, कितने का? तो इसी के साथ बात करूँ भैया, तो इस प्रोजेक्टर को लगा रखा था हमने, और मैं पूछना चाहूंगा जैसे उसमें 2.5 इंचेस है, इसके अंदर 3 इंची है, कैरेंस के अंदर 3 इंचेस का सेटअप था, ठीक है। इस गाड़ी के अंदर 2.5 इंची का सेटअप था, पहले जो एलईडी थी वो भी हमसे लग के गई थी, ठीक है। उसके बाद भैया को लो बीम पे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी जितनी इस प्रोजेक्टर के साथ में उनको राइट नाउ मिल रही है। अगर टोटल मैं बात करूं तो कितने वाट की एलईडी इसके अंदर इन टोटल इंस्टॉल है? 200 ऊपर है, ठीक है। 200 वाट इस गाड़ी में सपोर्ट नहीं करेगा आपका। अच्छा, और सिर्फ जीवा डार्क एडिशन ही 200 वाट भी सपोर्ट करेगा। अच्छा अच्छा, अगर आप में जीवा की या फिर किसी और कंपनी की 300 वाट डालते हो या मैक्सलिंग की भी 200 वाट भी डाल देते हो एमजी सीरीज, तो इस गाड़ी में फ्यूज उड़ा देगी वो। मैंने कई बार देखा है आजकल लोग, मैंने ये भी देखा मनु भाई, अंधाधुंध कोई भी, मतलब दुनिया जितनी ज्यादा लाइटें बताती जा रही है कि 200 आ गई, 300 आ गई, 400 आ गई, कुछ भी लगाया जा रहा है। 170 180 वाट से ऊपर स्टेबिलिटी नहीं आती है, ठीक है। बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, इसका रीजन यही होता है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा ये भी आपसे पूछना है कि बंदे कुछ भी लगा रहे गाड़ी के अंदर के 320 300 400 वाट लगा लो, कुछ भी लगा लो, लिख दो आखिरी में निकलना 150 160 170 180 है, तो भाई आप थोड़ा समझ के और थोड़ा सा सेंसेबल होकर सोचा करो इस बारे में। बट करंटली इस गाड़ी के अंदर बात करूं, इतनी ब्राइट होने के बाद इस गाड़ी के कंप्लीट सेटअप की अगर बात करूं तो 200 200 हो गया 400, और नीचे अगर प्रोजेक्टर की बात करूं तो कितने 150, यानी ये भी 550 वाट का सेटअप है यहां की तरफ, और उसके अंदर हमने सिर्फ नीचे की तरफ 150 वाट अपग्रेड करा है। उसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो इसकी हाई बीम है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अच्छा, इसके अंदर आप 50 वाट भी डालोगे ना तो वो 200 वाट का ही काम करेगी मार्केट के, तो ये एक्चुअल है। अगर आप लो बीम के अंदर आप 200 वाट भी डाल दो तो मार्केट के 50 वाट के बराबर ही काम करेगी। इसकी तो बात यहाँ हो गई। यहाँ पर मैं चाहूंगा मनु भाई एक बार आप जरा जला दो इसकी बची कुछ भी सारी लाइटें, और मैं इन टोटल सेटअप आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है 550 वाट का सेटअप ऑन स्कॉर्पियो। तो ये है कहाँ कहाँ तक की रोशनी नजर आ जाएगी, हर खड़ी हुई गाड़ी, खोए हुए सिक्के, सब कुछ ढूंढ सकते हो इससे आप, अगर आप इन केस लगाना चाहो तो। बाकी आप मुझे बताना कि आपको आज की वीडियो अपनी कैसी लगी,
इन सारी गाड़ियों के ऊपर जो हमने आपको बना के प्रोजेक्टर सेटअप दिखाया। प्लस अगर अब काम कराना हो तो मनु भाई कहां सकते हैं लोग बाग? करोल बाग, दिल्ली, शिवा कार एक्सेसरीज, बालाजी कार एक्सेसरीज। अगर आपको ऑनलाइन भी मंगवाना है तो ऑल ओवर इंडिया हमारी डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑनलाइन पे हमारा जो सेटअप पे ऑफर चल रहा है वो है हमारा नाइट टॉपर प्रोजेक्टर के ऊपर 2 इंची 3 इंची। आप कोई भी प्रोजेक्टर लो, ट्रायो कलर लो, बाइफोकल लो, सिंगल कलर कोई भी लो, नाइट टॉपर कोई भी प्रोजेक्टर लोगे, 10 कस्टमर्स को गोल्ड कॉइन 1 ग्राम का या फिर 6,000 रुपये के हमारा कैशबैक दिया जाएगा। वो पेटीएम के थ्रू ले सकते हैं, कैश ले सकते हैं या जैसे उनको कंफर्टेबल हो। चलो भाई करते नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए भाई शेयर कर देना आज से वीडियो को। बार बार बोल रहा हूँ, स्कीम 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक के लिए वैलिड है, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 के लिए, बट सिर्फ ऑनलाइन। ठीक है भाई, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों में, ताकि वो स्कॉर्पियो के अंदर हो रखे प्रॉब्लम्स या फिर कैरेंस या ऐसी गाड़ी के अंदर हो रखे प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय।